गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th, लेक्चर 3rd. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो राइटर हैं और जो काबुलीवाला जो मिनी से मिलता है जब, तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कम अच्छा लगता है, ठीक नहीं लगता है. अब आप लोग आगे देखेंगे. वन मॉर्निंग इन अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ शीट्स इन माई स्टडी. वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, जब उसने अपना मन बनाया था जाने के लिए, आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ सीट्स इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी रूम में जो सीट्स थी, प्रूफ सीट्स थी, उसको देख रहा था, ठीक कर रहा था. इट वॉज चिली वेदर, उस दिन बहुत ठंड थी. थ्रो द विंडो द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट, खिड़की से होते हुए जो सूर्य की किरणें थी, टच्ड माई फीट, मेरे पैरों को छू रही थी. एंड द स्लाइट वार्म्थ वॉज वेरी वेलकम, और वो जो गर्माहट थी वो मेरा जैसे स्वागत कर रही थी. इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, या लगभग 8 बजे थे. एंड द अर्ली पेड्रेसन्स वेयर रिटर्निंग होम, एंड द अर्ली पेड्रेसन्स, पेड्रेसन्स मीन्स पदयात्री जो पैदल यात्रा करते हैं. एट द अर्ली पेड्रेसन्स, जो सुबह सुबह जिसको आप लोग मॉर्निंग वॉक बोलते हो, जो निकले होते हैं सुबह, वेयर रिटर्निंग होम, वो अपने घर को लौट रहे होते हैं. विद दियर हेड्स कवर्ड्स, जो अपने सरों को ढके हुए होते हैं. क्यों ढके हुए होते हैं? क्योंकि ठंड बहुत होती है. ऑल एट वंस आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, उसी समय, एट वंस, तुरंत, आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, अप्रोर मीन्स कोलाहल या फिर आवाज़ कोई. आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, सड़क पर मैंने एक कोलाहल सुना, आवाज़ सुनी. एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखने गया. सा रहमत बींग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन एंड बिहाइंड देम क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयस. सा रहमत बींग, रहमत किसका नाम है? काबुली वाले का. सा देखा कि रहमत बींग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, दो पुलिस वालों के द्वारा बांधा गया, रहमत जो है ले जाया जा रहा था. एंड बिहाइंड देम, और उसके पीछे अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयस, कुछ उत्सुक बच्चे जो थे, उनकी भीड़ थी, उनके पीछे जो है कुछ उत्सुक बच्चों की भीड़ थी. जैसे कोई नई चीज़ें जब देख लेते हैं बच्चे, तो उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं. देर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ काबुलीवाला. ब्लड स्टेन्स मीन्स होता है खून के धब्बे. देर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ काबुलीवाला, के कपड़े पे खून के धब्बे लगे हुए थे. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड अ नाइफ, और जो दो पुलिसमैन थे उनमें से एक ने एक चाकू ले रखा था. हरिंग आउट, जल्दी करते हुए, आई स्टॉप देम, मैंने उन्हें रोका. एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की, वॉट इट ऑल मीन, कि मतलब यह सब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसको वो लोग पकड़े हुए लिए जा रहे हैं. पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, कुछ एक से और कुछ दूसरे से. आई गैदर्ड दैट अ सर्टेन नेबर हैड ओन्ड द पेडलर समथिंग फॉर अ रामपुरी सॉल, बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, and that is the course of the quarrel rahmat had struck him. I gathered, maine ikattha ki, matlab wo news unhone jo, matlab uske sath kya hua tha, kuch ek log se kuch dusre se unhone jo jana, wo kya tha, that a certain neighbor, ki ek unka padosi hi tha, jisne had owned the peddler something from a rampuri shawl, jisne ek rampuri shawl unse kabuli wala se kharidi hui thi, बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि उन्होंने ये खरीदी थी. मीन्स वो कह रहे थे कि मैंने ये नहीं खरीदी थी. एंड दैट इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल, और इस झगड़े के क्रम में, इस मतलब जो काबुली वाला था वो अपना पैसा लेने गया था उधार, और जिनसे लेने गया था वो उनके पड़ोसी थे, जो मिनी लोग हैं इनके पड़ोसी थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने इससे सॉल नहीं लिया था. तब उसकी वजह से झगड़ा हो जाता है उन लोगों का. एंड रहमत हैड स्ट्रक हिम, और रहमत जब झगड़ा होता रहता है तो उसी में क्या होता है, रहमत हैड स्ट्रक हिम, रहमत उसमें उस पर प्रहार कर देता है. काबुली वाला जो है उसी का नाम रहमत है. नाउ इन द हेड ऑफ हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, और अपनी इसी उत्सुकता और गर्माहट के साथ, द प्रिजनर बींग कॉलिंग हिज इन मी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, व्हेन सडनली इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मनी मिनी. The prisoner began calling his enemy all sort of names.
अपनी उत्सुकता और गर्माहट के साथ प्रिजनर किसको बोला जा रहा है अब, काबुली वाले को, जो कि जिसे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग, जो कैदी है वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है हिज इनमी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, सभी नामों से, मतलब उसे उल्टा सीधा बोल रहा है कि उसको एक तो पैसा नहीं मिला और दूसरा उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो खींचा हुआ है, गुस्साया हुआ है। व्हेन सडनली इन वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, तभी क्या होता है, अचानक से इन वरांडा में ऑफ माई हाउस, मेरे घर के, अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी दिखाई पड़ती है। विथ हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, अपने वही पुराने जो उसकी हैबिचुअल है उसका, हमेशा जब उनसे काबुली वाला से मिलती है तो क्या करती, ओ काबुली वाला करके चिल्लाती है। उसी तरह से वो फिर आती है और क्या कहती, ओ काबुली वाला, ठीक, वो काबुली वाला करके चिल्लाती है। रहमत्स फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर, रहमत का फेस जो है वो चमक जाता है जैसे ही वह पीछे मुड़ता है और उसे देखता है, या फिर उसकी तरफ जब मुड़ता है तब उसका फेस चमक जाता है। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पास उसकी बाहों के नीचे, हाथ के नीचे जो है झोला नहीं था, क्योंकि वो पहले बेचने आया करता था सामान, तो लोग क्या करते हैं, इसी पे अपना झोला ऐसे बांध लटका लेते हैं और उसको ऐसे रख के हाथ पे और घूमने निकल जाते हैं बेचने के लिए। सो सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, इसलिए उसने क्या किया कि एलिफेंट के बारे में उनसे डिस्कस नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की। वह पूछती थी ना कि क्या आप अपने झोले में एलिफेंट रखे हैं, हंसते हुए। सी एट वंस देयर फॉर प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से उसने आगे दूसरा अगला क्वेश्चन पूछती है वो, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम ससुराल जा रहे हो। रहमत लाफ्ट, रहमत हंसता है एंड सेड और कहता है, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ हाँ बच्ची मैं वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, अब क्या होता है, हमेशा तो वो मना करता था, मीन्स वो उसका दो मीनिंग है, उसकी पहले ही बताया जा चुका है कि जो ससुराल की बात है उसकी दो मीनिंग है, एक वो लोग पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन को समझते हैं, और एक जो ओरिजिनल ससुराल होता है। तो यहाँ क्या है, वो आज सच में जा रहा है वहाँ जेल। देन सीइंग दैट रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, और वो जो सिंपली आंसर कर देता है कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, तो उसके उत्तर में जो है वो जो छोटी बच्ची है वो कुछ, मतलब उसे मज़ा नहीं आती है, उसे कोई खुशी नहीं मिलती है उससे। ही हेल्ड अप हिज फेटर्स हैंड्स, तब वह क्या करता है, ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड्स, मतलब फेटर्ड मीन्स होता है जंजीरों से बंधा हुआ या फिर हथकड़ी से बंधा हुआ जो हाथ, क्या करता है उसको, हाथ को उठाता है। अली, अली बोलते हुए, ही सेड, वह कहता है, आई वुड हैव थ्रेस्ट, मैं घूंसा मारता That old father-in-law, but my hands are bound. जो वहाँ के जो ससुर हैं, ससुराल के जो ससुर हैं, मीन्स पुलिसमैन को या फिर वहाँ के जो इंस्पेक्टर होंगे उनको बोल रहा है कि उनको मैं घूसा मारता, but my hands are bound, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। On a charge of murderous assault, Rahmat was sentenced to some years imprisonment. On a charge of murderous assault. Assault means होता है आक्रमण, murderers means हत्यारा या फिर जो हत्या करने वाले होते हैं, और charge means होता है अपराध। तो आक्रमण या हत्या के अपराध में रहमत को क्या होता है, was sentenced to का मतलब होता है सजा सुनाया जाना, sentenced to death अगर हो तो उसका मतलब मृत्यु की सजा सुनाना, और यहाँ क्या है, sentenced to some years imprisonment, हत्या के आक्रमण या हत्या के अपराध में रहमत को कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। टाइम पास अवे, समय बीतता जाता है, एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड, और वह अब नहीं याद किया जाता, मतलब उसे अब कोई नहीं याद करता। द एकस्टम्ड वर्क इन द एकस्टम्ड प्लेस वॉज आवर्स, हम लोगों का मतलब जैसे पहले कार्य जहाँ जहाँ पर होता था वो कार्य पहले की जैसे ही चलते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं। एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन seldom or never occurred to us, and the thought of once free mountaineer spending his years in prison, और वह व्यक्ति जो कभी कुछ साल पहले जो है वो स्वतंत्र था, वो आज जेल में व्यतीत कर रहा था, seldom or never occurred to us, कभी कभी या फिर कभी नहीं हम लोगों के द्वारा याद किया जा रहा था, मीन्स वो लोग उसे बिल्कुल याद करना बंद कर दिए थे। Even my light hearted mini, लाइट हर्टेड यहाँ कह सकते हैं, लाइट मीन्स होता है हल्का, लेकिन आप लोग यहाँ साफ दिल वाले, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एकदम
क्लीन हार्टेड होते हैं, साफ दिल वाले होते हैं, इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, जबकि मेरे वो साफ दिल वाली मिनी भी क्या करती है, आई एम असेम टू से, मैं यह कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, कि अपने पुराने मित्र को भूल चुकी थी, अपने पुराने दोस्त को जो काबुली वाला जो था उसका दोस्त बन चुका था उसे भूल चुकी थी। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, नए साथी फिल्ड हर लाइफ, उनके उसकी लाइफ में आ चुके थे। एज सी ग्रू ओल्डर, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सी स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, उसने अपना समय लड़कियों के साथ व्यतीत करना शुरू कर दिया। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड विद देम दैट सी केम नो मोर एंड सी यूज टू डू टू हर फादर्स रूम। सी स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, वह लड़कियों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। सो मच टाइम इंडीड, और वास्तव में बहुत अधिक समय डिड सी स्पेंड, वह व्यतीत करती थी विद देम उन लोगों के साथ, दैट सी केम नो मोर, अब वह पहले जैसे नहीं आती थी, एज सी यूज टू, जैसे कि वह पहले आदी थी टू हर फादर्स रूम, अपने पापा के कमरे में आने का मतलब, जैसे वह अपने पहले अपने पापा के कमरे में हमेशा आ जाया करती थी, अब वह वैसा नहीं करती थी। आई वॉज सेक्रेसली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हर, सेक्रेसली मीन्स होता है मुश्किल से, मैं मुश्किल से अपनी बच्ची से या फिर उससे मिनी से बात कर पाता था। ईयर्स हैड पास्ट, सालों गुजर गए, सालों बीत गए, इट वॉज वंस मोर ऑटम एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, पतझड़ का समय था, एक पतझड़ का टाइम था, एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, मीन्स अब मिनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी होने जा रही है, शादी की तैयारी हो चुकी है। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, यह वही समय है जब पूजा हॉलीडे होता है, कौन सा, विद दुर्गा रिटर्निंग ऑफ कैलाश, जब कैलाश पे दुर्गा जी वापस जाती, मीन्स नवरात्रि का लास्ट टाइम, नवरात्रि जब ख़त्म होने वाला होता है तब। द लाइट ऑफ आवर होम आल्सो वॉज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस, द लाइट ऑफ आवर होम, हम अपने घर का प्रकाश, मीन्स उनकी जो बिटिया थी, उनकी बच्ची थी, वो क्या कर रही थी, वो उनको छोड़कर उनसे अलग होकर टू हर हस्बैंड्स हाउस, अपने पति के घर जा रही थी। हैड लीव हर फादर्स इन द शैडो, और अपने पापा के लिए अपनी परछाई, मीन्स अपनी यादें छोड़कर जा रही थी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह चमक रही थी, मीन्स सुबह हो चुकी थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, देयर वॉज सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर, एब्ल्यूशन मीन्स होता है स्नान करना, स्नान किसी के द्वारा करवाया जाना कह सकते हैं आप लोग। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, देयर वॉज अ सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर, जैसे हवा जो थी उसने बारिश से स्नान कर लिया हो, मीन्स ठंडी हवा बह रही थी, ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। एंड द सन रेजेज लुक लाइक प्योर गोल्ड, और सूर्य की किरणें जो हैं वो एकदम शुद्ध सोने, एकदम प्योर सोने के जैसे चमक रही थी। सो इसलिए ब्राइट वर दे, वे और चमक रही थी, दैट दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस, रेडियंस मीन्स भी होता है चमक, इवन टू द सॉर्डेड ब्रिक्स वॉल ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस, वे और चमका रही थी और सुंदर तरीके से चमक रही थी, इवन द सॉर्डेड ब्रिक्स वॉल्स, सॉर्डेड मीन्स होता है पुरानी, ब्रिक्स मीन्स ईंट, वॉल मतलब दीवार, ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, जो कलकत्ता की सड़कें थी वो पुरानी जो दीवारें थी ईंटों से बनी हुई, सूर्य के प्रकाश की वजह से वह और चमक रही थी, नई लग रही थी, भले वह पुरानी हो चुकी थी। सिंस अर्ली डॉन टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, सिंस अर्ली डॉन, अगली डॉन मीन्स होता है प्रातःकाल, सुबह, अगली सुबह जो मतलब आज जिसको कह रहे हैं, आज सुबह, द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, वेडिंग पाइप्स मीन्स जो बजाने वाला यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है शादियों में सुबह, वो क्या हो रहा है, हैड बीन साउंडिंग, बजाया जा रहा था, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। एंड ईच बीट माई ओन हर्ट थ्रॉब्ड, एंड ईच बीट माई हीट हर्ट थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स होता है धड़कना, और उसके जो बज रहा था साउंड जो हो रहा था उसमें से जो धुन निकल रही थी वो बार बार मीन्स मेरे हर्ट को जैसे धड़क रही थी, उसी तरह जैसे वो बीट कर रही थी उसी तरह मेरा हर्ट बार बार धड़क रहा था। द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी, और वो भैरवी राग थी जो एक
करुण मीन्स कह सकते हैं आप लोग शोक का, शोक के लिए बजाया जाता है, वो भैरवी राग थी। सीम टू इंटेंसीफाई माई पेन, जो मेरे दर्द को इंटेंसीफाई, तीव्र कर रही थी, तेज कर रही थी, एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, जो कि अलगाव की तरफ ले जा रही थी। मीन्स मिनी कुछ ही टाइम में क्या करेगी, अपने हस्बैंड हाउस, पति के घर चली जाएगी। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, उसी रात मिनी की शादी हो जानी है, उसी रात मिनी की शादी हो जाएगी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बस्टल हैड प्रिवेडेड द हाउस, प्रिवेडेड मीन्स होता है व्याप्त। अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह नॉइज एंड बस्टल शोरगुल और हलचल हैड प्रिवेडेड द हाउस, पूरे घर में व्याप्त था, मीन्स पूरे घर में हलचल थी, शोर था। इन द कोर्ट यार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बॉम्बो पोल्स, इन द कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन, आंगन में द कैनोपी, कैनोपी किसको बोलते हैं, मंडप को, हैड टू बी स्लंग, लगाया जाना था ऑन इट्स बॉम्बो पोल्स, बांस के स्तंभों में, खंभों में, बांस के खंभों के द्वारा आंगन में मंडप लगाया जाना था। द कैंडलायर्स विद दियर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड वरांडा, और सभी कमरों और बरामदे में जो लाइट होती है, जो टिमटिम करके जलती हुई वो लगाई जानी थी। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, मीन्स यह बहुत जल्दी नहीं हो जाना था और यह बहुत उत्सुकता के साथ हो रहा था, क्योंकि शादी वगैरह कैसे उत्सुकता, एक्साइटमेंट होता है ना। आई रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी, आई रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी, सॉरी आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में, जो अपना उनका स्टडी रूम था, उसमें वो बैठे हुए थे। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, अपने दस्तावेज अकाउंट चेक कर रहे थे, देख रहे थे। व्हेन समवन एंटर्ड, जब किसी ने एंटर्ड प्रवेश किया, सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी, सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, एकदम रिस्पेक्टफुली मतलब अभिवादन करते हुए, सैल्यूट करते हुए, एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़े हो गए। इट वॉज रहमत द काबुलीवाला, यह कौन था, रहमत था, काबुलीवाला था। एट फर्स्ट, पहले आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, मैं उसे नहीं पहचान सका, रिकोगनाइज मीन्स पहचानना। ही हैड नो बैग नॉर द लॉन्ग हेयर, ही हैड नो बैग, उसके पास बैग नहीं था, वह थैला नहीं था, नॉर द लॉन्ग हेयर, ना तो उसके बड़े बाल थे, नॉर द सेम वेगर, वेगर मीन्स होता है जोश, स्फूर्ति, नॉर द सेम वेगर दैट ही यूज टू हैव, मीन्स जैसे कि पहले उसके पास जोश हुआ करता था, उस तरह का जोश भी उसके पास नहीं था, ना तो उसके बड़े लंबे बाल थे और ना तो उसके पास बैग था। बट ही स्माइल, लेकिन वह मुस्कुराया, एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे फिर से जान गया। व्हेन डिड यू कम रहमत, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि रहमत तुम कब आए, तुम वापस कब आए। लास्ट इवनिंग, उसने आंसर किया, लास्ट इवनिंग ही सेड, उसने कहा पिछली शाम, पिछली कल, मतलब जो पुराना पिछला दिन बीत चुका है उस दिन कह रहा है, लास्ट इवनिंग पिछली शाम, आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, मैं जेल से छोड़ दिया गया, मैं जेल से छूटा हूँ। द वर्ड्स स्ट्रक हर्स अपॉन माई ईयर्स, ये शब्द जो थे इन्होंने कठोर प्रहार किया, अपॉन माई ईयर्स, मेरे कानों को, मीन्स क्या होता है, जब उन्होंने ये सुना कि ये पिछली शाम ही जेल से छूटा है, तो उन्हें दुख हुआ कि वो इतने टाइम के बाद आज वो जेल से छूटा है। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विथ वन हु हैड वूंड्स हिज फेलो एंड माई हर्ट श्रैंक विथ इन इट सेल्फ, आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड, और इससे पहले मैंने किसी से बात नहीं की, विथ वन हु हैड वूंड हिज फेलो, मीन्स जब पड़ोसी को, जो उसका पड़ोसी था, उसी को काबुली वाले ने मारा था, तो उस व्यक्ति के बारे में जिसने उसे घायल किया था, मेरे अनुयायी को, मेरे साथी को, मेरे पड़ोसी को, उसके बारे में मैंने पहले, उसके पहले कभी बात नहीं की थी। एंड माई हर्ट श्रैंक विथ इन इट सेल्फ, और उस समय क्या हुआ, जो मेरा, माई हर्ट श्रैंक, मेरा हर्ट, हृदय जो है सिकुड़ गया, मीन्स वो दुखी हो गए। आई रिलीज, व्हेन आई रिलीज दिस फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेन हैड ही नॉट टर्नड अप, ओमेन मीन्स होता है शुभ, शुभ समय, शुभ लक्षण जो होता है, और उन्होंने यह महसूस किया कि अगर ये आज ना आया होता तो अच्छा होता, मीन्स इस शुभ अवसर पर इसे नहीं आना चाहिए था।
देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, यहाँ पर सेरेमनी चल रही है, शादी का टाइम है, ये शुभ अवसर है तो इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई सेड, मैंने कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो। एट वंस, तुरंत ही टर्न टू गो, वह जाने के लिए मुड़ा। बट लेकिन एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड, एज ही रीच द डोर, जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। एंड सेड, और कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, सर, क्या श्रीमान जी, मैं एक क्षण के लिए उस छोटी बच्ची को नहीं देख सकता हूँ। इट वॉज हिज बिलीफ दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, इट वॉज हिज बिलीफ, या उसका अनुमान था, विश्वास था, दैट कि मिनी वॉज स्टिल द सेम, कि मिनी अभी भी पहले जैसे होगी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज सी यूज टू कॉलिंग, ओ काबुलीवाला, और उसने अपने दिमाग में वही पिक्चर बनाई हुई थी, वह मतलब वही सोच रहा था कि पहले के जैसे मिनी क्या करेगी, उसी तरह ओ काबुलीवाला करते हुए, चिल्लाते हुए दौड़ के आएगी, जैसे वह पहले आती थी। ही हैड इमेजिन टू, और उसने वही कल्पना भी की, दैट दे वुड लॉफ एंड टॉक टुगेदर, कि वे हंसेंगे और साथ में बात करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे कि वे पहले किया करते थे। इनफैक्ट, वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, ही हैड ब्रॉट केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर अ फ्यू एलिमेंट्स एंड रेजन्स एंड ग्रेप्स, और वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पिछले दिनों को याद करते हुए उसको याद था कि मतलब पहले जैसे वो करता था, पहले के जैसे, ही हैड ब्रॉट, उसने लेख रखा था, केयरफुली रैप्ड इन अ पेपर अ फ्यू ओल्ड एलमंड्स रेजन्स एंड ग्रेप्स, कुछ अंगूर, किशमिश और बादाम एक पेपर में लपेट कर बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से उसने अपने पॉकेट में अपने पास ले रखा था, जैसे वह पहले ले जाकर मिनी को देता था। ऑब्टेंड मीन्स होता है मंगवाना, सम हाउ फ्रॉम अ कंट्री मैन फॉर हिज ओन लिटिल फंड वॉज डिस्प्रेस्ड, सम हाउ फ्रॉम अ कंट्री मैन मीन्स अपने ही देश के साइड, मीन्स जहाँ उसका घर था वहीं से उसने उसे मंगाया था, क्यों, वहाँ से क्यों मंगाया था, क्योंकि फॉर हिज ओन लिटिल फंड, जो उसका थोड़ा बहुत जो उसकी बचत होती थी, वॉज डिस्प्रेस्ड, वो खर्च हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत सालों से जेल में था। आई सेड अगेन, मैंने फिर से कहा, दोबारा कहा, देयर इज सेरेमनी इन द हाउस, घर में मेरे कार्यक्रम चल रहा है, शादी का टाइम चल रहा है, शादी हो रही है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन डे, तुम आज उसे नहीं मिल सकते, तुम और किसी दिन उससे मिल सकते हो। द मैंस फेस फेल मीन्स वह उदास हो गया, काबुलीवाला जो है वह उदास हो गया। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, वह एक क्षण, लुक विस्टफुली मीन्स होता है उदासीपूर्वक, वह एक क्षण मेरी तरफ उदासीपूर्वक देखता रहा। सेड और कहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोला, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा मतलब, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और मुझे लगा कि उसे मैं वापस बुला लूँ। बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन ऑकर्ड, लेकिन मैंने पाया कि ही वॉज रिटर्निंग, खुद वह स्वयं लौट रहा है फॉर हिज ओन एकॉर्ड, एकॉर्ड मीन्स होता है इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से वह वापस लौट रहा है। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स, ही केम क्लोज अप टू मी, वह मेरे पास आता है, होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स, और कुछ वह लिए हुए है उसको मेरे तरफ ऑफर कर रहा है, मुझको देते हुए दे रहा है। एंड सेड और कह रहा है, आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स, मैंने ये कुछ चीज़ें इसके लिए लाई हैं, मैंने कुछ चीज़ें लाई हैं सर श्रीमान, फॉर द लिटिल वन, उस छोटी बच्ची के लिए, विल यू गिव देम टू हर, क्या आप इसे उसे दे देंगे, मीन्स मिनी को दे देंगे। आई टुक देम, मैंने उसे ले लिया, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और उसे देने जा रहा था, मीन्स वह उसे देंगे। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, सॉरी, आई टुक देम, जब उन्होंने उसे एलमंड और किसमिस और रेजन्स जो थे वो सारी चीज़ें ले ली, आई टुक देम, मैंने उन्हें ले ली, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, तो उन्होंने सोचा कि यह इसे बेचने आया है। आई वॉज गोइंग टू पे हिम, वो उसे क्या करने जा रहे थे, पैसा देने जा रहे थे, उसके बदले में उसे पैसा देने जा रहे थे। बट ही कॉट माई हैंड, लेकिन उसने उनका हाथ पकड़ लिया, मीन्स काबुली वाले ने उनका हाथ पकड़ लिया,
एंड सेड और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, आप बहुत दयालु हैं सर, कीप मी इन योर रिकलेक्शन, आप इसे अपने पास रखिए, एंड इन योर रिकलेक्शन और मुझे अपनी यादों में रखिएगा, और मतलब कि मुझे याद रखिएगा, डू नॉट ऑफर मी मनी, लेकिन मुझे पैसा न दीजिए, मैं पैसा नहीं लूँगा, वो बोल रहा है। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपके पास एक छोटी बच्ची है, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, और मेरे अपने भी घर में मिनी की ही तरह मेरी भी एक बच्ची है। आई थिंक ऑफर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, मैं उसी की तरह, मतलब उसी की तरह उसको मानता हूँ, उसी की तरह मुझे वो लगती है, एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, इसीलिए मैं आपकी बच्ची के लिए ये लाया हूँ, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, ना कि मैं उससे आपको इसे देकर मैं कुछ प्रॉफिट पाना चाहता हूँ, फ़ायदा पाना चाहता हूँ। सेइंग दिस, यह कहते हुए ही पुट हिज हैंड इन साइड हिज बिग लूज रोब, रोब मीन्स होता है पोशाक, ही पुट हिज हैंड, वो अपने हाथ को इन साइड हिज बैग लूज रोब, अपने पोशाक के जो बड़ा सा लंबा सा जो रोब में उसके पॉकेट टाइप का है उसमें डालता है हाथ, एंड ब्रॉट आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और ब्रॉट आउट और बाहर निकालता है अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा और गंदा सा पेपर। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्ड दिस, जिसे उसने बड़ी सावधानी से फोल्ड करके रखा हुआ था, एंड स्मूथ इट, और उसे कोमलता के साथ आउट विथ, बाहर ला रहा है, जिसने उसे बहुत सावधानी से अपने पास रखा था और स्मूथ इट आउट, और उसे बड़े धीरे से बड़े आराम से कोमलता से बाहर ला रहा था, विथ बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, अपने दोनों हाथ से उसे क्या किया, मेरे टेबल पर रख दिया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, इट बोर, इसमें क्या था, इट बोर, पहने हुए था, बोर मीन्स पहने हुआ, द इम्प्रेशन, छाप ऑफ अ लिटिल हैंड, छोटे हाथों का, मीन्स उस पेपर पे क्या था, एक छोटे बच्चे का हाथ का चिन्ह था, हाथ की छाप थी। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हर्ट, दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर, मतलब यह याद थी उसकी, उस छोटी बच्ची की जो उसके पास काबुली वाले के पास थी, बीन ऑलवेज ऑन हिज हर्ट, जो हमेशा उसके दिल के पास रहती थी, उसके करीब रहती थी, एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता, जैसे कि वह हर साल कलकत्ता जाया करता था, तो उस छाप को अपनी बच्ची के एक याद की तरीके से अपने पास बहुत संभाल कर सुरक्षित रखे हुए था, जिसने जो उन्होंने जो काबुली वाला है उसने मिनी के पापा के या फिर राइटर के सामने टेबल पर रख देती है, रख देता है। टू सी हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट्स, जो क्या, टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट्स, जो क्या करता था काबुली वाला, क्या करता था, सेल, बेचा करता था हिज वेयर्स, अपने सामान को इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, जो हर साल अपने सड़कों पर, कलकत्ता के सड़कों पर अपने सामान को बेचा करता था, उसने जो अपने बच्ची के हाथ का जो छाप ले रखा था उसे उसने काबुली मिनी के पापा के टेबल पर रख दिया, उनके सामने रख दिया। टीयर्स केम टू माई आइज, मेरे आँखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं भूल गया कि वह गरीब काबुली, काबुल का वो जो फ्रूट सेलर, फल विक्रेता है। वाइल आई वॉज बट नो वॉट वॉज आई मोर देन ही, वाइल आई वॉज बट नो वॉट वॉज आई मोर देन ही, मुझे लग रहा था कि जैसे वह है वैसे मैं हूँ। इस टाइम जो राइटर है उसे लग रहा है कि जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में मैं भी हूँ, उसी स्थिति में मैं भी हूँ। ही आल्सो वॉज अ फादर, वह भी एक पिता था। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, दैट इम्प्रेशन, यह छाप ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर, उसकी छोटे बच्ची के हाथ की जो ये छाप है, इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंड मी, मुझे उस दूर स्थित जो माउंटेन पर्वतों पर जो उसका, जहाँ मतलब काबुल में जहाँ उसका घर है, वो उसकी क्या है, एक जो हाथ का, उसकी बेटी का जो हाथ है, जो उसकी छाप है उसकी, उसे मान लो कह सकते हैं हम लोग, याद दिलाता है माई ओन लिटिल मिनी, और मुझे अपनी बच्ची को भी याद दिला रहा है। मीन्स वो क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि काबुली वाला जो है हर साल कलकत्ता की गलियों में आता है, तो वो जो छाप है वो जब देखता है राइटर, तो उसे लगता है कि ये क्या है,
कि ये याद है अपने पास, उसको बहुत सावधानी से रखे हुए है, जो कि एकदम सेम उसी तरह है जैसे कि मेरी बच्ची है, और उसे अपनी बच्ची की भी याद आ जाती है उस छाप को देखकर। राइटर को, आई सेंड फॉर मिनी इमिडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट। आई सेंड फॉर मिनी, और मैं मिनी को बुलाने के लिए भेजता हूँ, मिनी के लिए बुलावा भेजता है वह। मैं, आई सेंड फॉर मिनी, मैं मिनी को बुलवाता हूँ इमिडिएटली, तुरंत, फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, एकदम अंदर वाले जो कमरे में है मिनी, उसे बुलवाता हूँ तुरंत। मैनी डिफ़िकल्टीज़ वेयर रेज्ड, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आई बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, मीन्स लोग मना कर रहे थे क्योंकि वह उस दिन दुल्हन थी, लेकिन उसे उन्होंने कुछ सुना नहीं और उन्होंने कहा कि तुरंत मिनी को बुलाओ। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फॉरहेड एंड एडॉर्न्ड एज अ यंग ब्राइड, मिनी केम एंड स्टूड ग्रेसफुली बिफोर मी। क्लैड मीन्स पोशाक पहने हुए, उस कपड़े को पहने हुए, इन द रेड सिल्क, लाल रेशमी जो कपड़ा था, जो साड़ी या फिर लहंगा आप लोग बोल सकते हैं, जो शादी में वेडिंग दुल्हन पहनती हैं, ऑफ हर वेडिंग डे, अपने शादी के दिन उसने लाल और रेशमी कलर का की पोशाक पहने हुए है, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फॉरहेड, और अपने माथे पर उसने क्या किया है, चंदन लगा रखा है, चंदन लगाया हुआ है, एंड एडॉर्न एज अ यंग ब्राइड, और एकदम दुल्हन की तरह वह सजी हुई है। मिनी केम, मिनी आती है, आई, एंड स्टूड बेसफुली बिफोर मी, और खड़ी हो जाती है बेसफुली बिफोर मी, थोड़ा सा मेरे सामने शरमाते हुए। द काबुलीवाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द अपार्टिशन। काबुलीवाला लुक्ड, देखता है, थोड़ा भ्रमित और लड़खड़ाया हुआ सा, मीन्स उसे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो सोच रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो अब इतनी बड़ी हो गई है कि आज दुल्हन बन चुकी है, उसे देखकर वह थोड़ा सा भ्रमित है। He could not revive their old friendship. वह अपनी दोस्ती को, अपनी मित्रता को पुनर्जीवित नहीं कर पा रहा है, मीन्स उसे वो पहचान नहीं रही है कि ये वही काबुलीवाला है। At last he smiled and said, फिर अंत में ही स्माइल, काबुलीवाला जो है वो मुस्कुराता है, एंड सेड, और कहता है, लिटिल वन, छोटी बच्ची, आर यू गोइंग, लिटिल वन मीन्स यहाँ आप छोटी बच्ची भी कह सकते हैं, फिर बिटिया भी कहा जा सकता है, यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, पूछता है, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन इस वर्ड को, इस शब्द को, फादर इन लॉ मीन्स ससुराल को, अब वह जानती थी कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। एंड सी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, और उसने कुछ उत्तर नहीं दिया जैसे कि वह पहले दिया करती थी कि हाँ मैं नहीं जाऊँगी आप जाइए, ऐसे वो बोलती थी ना। सी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, और इस प्रश्न पर वह फ्लश्ड अप मीन्स होता है शर्म से लाल होना, शर्मा जाना, इस क्वेश्चन पर वह शर्मा जाती है, शर्म से लाल हो जाती है। एंड स्टूड बिफोर हिम, और उनके सामने खड़ी रहती है, विथ हर ब्राइड लाइक फेस टर्न राउंड, और एक दुल्हन की तरह जैसे उसने अपना क्या किया हुआ है, सर नीचे किया हुआ है, सर नीचे करके एक दुल्हन की तरह वह उनके सामने वहाँ खड़ी रहती है। आई रिमेंबर द डे, मुझे वह दिन याद है, व्हेन द काबुलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, जब काबुलीवाला और मेरी मिनी जो है वह पहली बार मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड, और मुझे बहुत दुख हो रहा था, व्हेन सी हैड गॉन, जब वह चली गई, जब मिनी अंदर चली गई। रहमत हीव्ड अ डीप साई, रहमत ने एक आह भरी, बहुत लंबी आह भरी, एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और वह फर्श पर बैठ गया, नीचे बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, मतलब इस जो लंबा समय बीत चुका था, इस समय में उसकी बच्ची भी, उसकी बेटी भी उसी तरह और बड़ी हो चुकी होगी, यह बात उसके दिमाग में अचानक से आ जाती है। तो वह क्या करता है, फर्श पर ही बैठ जाता है। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर अन्यू, और ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स, उसने भी नए मित्र बना लिए होंगे, विथ हर अन्यू, जिनके साथ वे नए तरीके से रह रही होगी। एस्योर्डली, और उसे विश्वास था, ही वुड नॉट फाइंड हर एज ही यूज टू नो हर, मीन्स वह उसे पहले जैसे नहीं पाएगा, हो सकता है वह, हो सकता है क्या, डेफिनेटली सी वॉज चेंज, वह बदल जाएगी, पहले से बदली हुई होगी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, व्हाट माइट
not have happened to her in these 8 years. अब इससे ज़्यादा 8 सालों में और क्या घटित हो सकता था, मीन्स और क्या बदल सकता था कि 8 साल बीत चुके हैं और जो उसकी पुरानी छोटी सी बच्ची थी, जो जैसे आप लोग मिनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मिनी ही उसको जब नहीं पहचान रही है तो उसकी अपनी बच्ची भी, क्योंकि वो भी उसी एज की थी तो वो भी उसे नहीं पहचानेगी. द मैरिज पाइप्स साउंडेड, जो शादी की जो वो साउंडेड पाइप्स जो हैं, जो बजाई जाती हैं, यंत्र जो होता है वो बजाया जा रहा है. एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस, और सूर्य की जो पतझड़ के टाइम का जो सूर्य का प्रकाश है वो राउंड अस फैला हुआ है, हमारे चारों ओर फैला हुआ है. बट रहमत एट इन अ लिटिल कलकत्ता लेन एंड सेम बिफोर हिम सा बिफोर हिम द बैरन माउंटेंस ऑफ अफगानिस्तान. बट लेकिन रहमत जो है एट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, एक कलकत्ता की सकरी छोटी सी गली में है. एंड सा बिफोर हिम, और वो अब वो जो राइटर सा बिफोर हिम, और उसे अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है, द बैरन माउंटेंस ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के वो बंजर पर्वतीय क्षेत्र, मीन्स वह अपने देश अपने जगह के बारे में याद कर रहा है. आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैं अपने पास से एक बैंक का नोट निकालता हूँ. एंड गेव इट टू हिम, और उसे देता हूँ. सेइंग, कहते हुए, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमत इन योर ओन कंट्री, इसे लो, गो बैक टू योर ओन डॉटर, और अपने वापस अपने बच्ची के पास चले जाओ रहमत, इन योर ओन कंट्री, अपने देश. एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, और अपने बिटिया से मिलो, मीटिंग ब्रिंग हैप्पीनेस, मिलकर उससे खुशी प्राप्त करो, गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, जिससे क्या हो, मेरी बच्ची का भाग्य अच्छा हो, भाग्य बने. जैसे किसी को हम लोग, जब किसी कोई ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग देते हैं तो हम लोगों को ब्लेस देता है, आशीर्वाद देता है कि आप लोग खुश रहें, ऐसे टाइप का वो बोल रहा है. हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, इस तरह से मेड दिस प्रेजेंट या उपहार पाकर, आई हैड टू देकर, मींस जब वो बैंक एक बैंक की नोट उन्हें दे रहा है काबुली वाला को, हैविंग मेड दिस प्रेजेंट या उपहार उसे जब वो दे देता है देकर, आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज. फेस्टिविटीज मीन्स होता है उत्सव का जो खर्च होता है, उत्सव में हम लोग जो खर्च करते हैं. आई हैड कर्टेल, मैंने कम कर दिया था सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, उत्सव के जो सामान थे उनमें खर्च करने के लिए कुछ मैंने कम कर दिए थे. आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड, जिसे मैंने सोचा था, जो मैंने सोचा था कि मैं ये वाली लाइट लगाऊंगा, उसे उन्होंने क्या किया, मना कर दिया लगाने से. Not the military band, nor the military band, और उन्होंने military band भी नहीं लगवाया. And the ladies of house were despondent at it, जिससे घर की जो औरतें थी वे थोड़ा उदास भी हुई, निराश भी हुई. But लेकिन to me, मेरे लिए, the wedding feast was all the brighter for the thought. But लेकिन to me, मेरे लिए, the wedding feast, feast मतलब होता है भोज, जो खाना खिलाया जाता है. Wedding feast was all the brighter, मीन्स वो उस भोज में ही मेरी सारी खुशी थी जो मैं लोगों को खिलाऊंगा, ना कि और सारी जो लाइट वगैरह है वो अगर थोड़ी सी कम भी रहेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये सोच रहा है. एंड थॉट, और सोचता है, दैट इन अ डिस्टेंट लैंड, जो सुदूर स्थित जगह है, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मेट अगेन विथ हिज ओनली चाइल्ड, जो बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत टाइम के बाद जब वह एक जो पिता है वो अपनी बच्ची से मिलेगा, वो इससे ज़्यादा खुशी उसको मतलब लाइट वगैरह लगाने में नहीं होगी. मीन्स वो क्या करता है, उसको पैसा दे देता है, नोट दे देता है एक, और अपने यहाँ के डेकोरेशन के कुछ सामान को कम कर देता है. उसके इसी वजह से उसके घर की कुछ औरतें परेशान होती हैं, गुस्साती हैं, निराश हो जाती हैं, लेकिन उसे सिर्फ यही अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है यह सोच के कि वह अपनी बेचारी बच्ची से मिलेगा जिससे वह बहुत दिन से दूर है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम Now your chapter is end. If you have any problem, then you can ask on your school's WhatsApp number 8576879375. कोई समस्या हो तो आप लोग इस पर पूछिएगा. थैंक यू.